हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है हमारा इंडक्शन रिपेयर का, तो देख रहे हैं कि हमारे पास ये इंडक्शन है, लोकल है या ब्रांडेड है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैं तो लोकल ही मानूंगा, लोकल ही अंदर का बोर्ड भी देखने को लग रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस इंडक्शन में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि थंबनेल में आप देखें कि पावर नहीं आ रहा, कुछ अलग ही प्रॉब्लम पावर से रिलेटेड हमने लिख के रखा। तो इस इंडक्शन में पावर नहीं आ रहा, तो पावर नहीं आ रहा ऐसा वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारा बना हुआ है, 2-3-4 वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं है। तो उस वीडियो को भी जाके देख के आप अपना पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बताऊँगा वो सब वीडियो का मिक्स यहाँ पे पावर फॉल्ट के बारे में आज एक ही वीडियो में बनाया हूँ, जिसमें सारा प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हाई वोल्टेज आने के कारण से यहाँ पर एक छोटा सा आईसी है, वो पावर सप्लाई का, वो आईसी इसका जो है विस्फोट कर गया और वो ख़राब हो गया, जिसके कारण से यहाँ पे ये इंडक्शन में पावर नहीं आ रहा और ऑन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ये जो RGBT दिख रहा है ये शॉर्ट होने की वजह से पावर नहीं आता था और हमारा फ्यूज कट जाता था और फ्यूज को शॉर्ट कर देते थे और RGBT को चेंज करके दोनों को, मतलब पहले RGBT को चेंज करते थे और शॉर्ट को, जो फ्यूज कट गया उसको शॉर्ट करते थे और नया फ्यूज भी लगाने से भी चलेगा, तो नया फ्यूज लगा देते थे जिससे कि हमारा इंडक्शन चालू हो जाता था, जो कि पहले भी वीडियो में आपको बना के दिखाया हूँ। लेकिन यहाँ पे अब चेक करेंगे, आईसी तो उड़ गया है पावर नहीं आने कारण से, और RGBT को भी चेक करेंगे कि RGBT हमारा सही है नहीं, क्योंकि कभी कभी मेन आईसी और जो पावर सप्लाई का आईसी वो उड़ने से RGBT में भी फर्क पड़ता है। तो वो देख चेक करेंगे यहाँ पर RGBT में कुछ भी असर हुआ है कि नहीं। तो चलिए, मल्टीमीटर से मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करेंगे, डायोड मोड में हमने सेट करके रखा और यहाँ पे देखिए बारी बारी से चेक कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। बीच में एक पॉइंट रखेंगे और साइड में एक पॉइंट, यहाँ पे देखिए वैल्यू जो बताना चाहिए वैल्यू नहीं बता रहा, पॉइंट को चेंज करेंगे, अभी भी मुझे वैल्यू नहीं मिला, जीरो नहीं आना चाहिए वैल्यू, आपका जो है बता दे रहा हूँ कितना आएगा, अभी दिखाएगा मल्टीमीटर में हमारा, इधर भी नहीं बताया और यहाँ पे भी नहीं, अभी भी नहीं बताया, कुछ तो फॉल्ट है। फिर से चेक करते हैं, या पॉइंट टच नहीं हो पा रहा, कभी कभी लेमिनेशन किया हुआ रहता है ये ट्रैक में, तो जिसके कारण से सही तरीके से नहीं बता पाता है। तो चलिए ट्रैक को सही से साफ करके यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अभी दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा। अभी हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, अरे देखिए फ्रेंड, ये एग्जैक्ट वैल्यू ये है 400 से 500 तक का बीच में रेंज में, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 0.400-500 के आसपास आएगा, तब जानेंगे कि हमारा जो ये RGBT है वो हमारा सही है और ये RGBT में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इधर पार्ट्स का, और सिर्फ ये जो पावर सप्लाई का IC वो उड़ा हुआ है। यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ ब्रिज रेक्टिफायर, इसको भी चेक करेंगे साइड में, जो वोल्टेज हमारा 300 वोल्ट आता है यहाँ पे, तो ये साइड पिन में चेक करेंगे, जीरो नहीं आना चाहिए, 500-400 इसी का आसपास आएगा। फिर यहाँ पे बीच वाले पॉइंट को भी चेक करेंगे, इसमें भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम कर सकता है, तो ये भी हमारा शॉर्ट नहीं है। और ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये ब्रिज रेक्टिफायर भी हमारा सही है फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखिएगा, तभी जाके आप समझ पाइएगा और इजीली रिपेयर कर पाएंगे। आज इस वीडियो में पूरा सभी वीडियो का रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने लेकर आया हूँ, और इसमें सभी प्रॉब्लम इस इंडक्शन बोर्ड में हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो को पूरा कंप्लीट बनाया हूँ। अब देखिए फ्रेंड, फ्यूज को मैं चेक कर रहा हूँ, फ्यूज हमारा सही है, एक फ्यूज का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन लगभग जो इंडक्शन बोर्ड रहता है उसमें फ्यूज का प्रॉब्लम रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा जो है फ्यूज ठीक है। अब यहाँ पर IC मैंने खोल कर रखा हूँ पहले से, तो ये IC मैंने मार्केट से ले आया हूँ, यह हमारा जो IC है 8012 नंबर का IC लगा हुआ। आपका इंडक्शन में जो लगा रहेगा IC 8012 या 12 वाइपर 12 या कोई भी नंबर हो, वो सेम नंबर आपको मार्केट से ख़रीद के लाना है। एक छोटा सा IC है, इस IC को मैंने मार्केट से परचेज किया हूँ, 20-50-60 रुपये के अंदर में ये आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है, ज़्यादा प्राइस इसका नहीं है। और चलिए न्यू IC को मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा और उसके बाद चला के दिखाएंगे और आगे क्या क्या प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा IC लगाने के बाद। तो इजीली हम भी यहाँ पे क्या करते हैं कि IC को लगा लेते हैं पहले, उसके बाद आगे दिखाते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम को फेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे IC को पहले लगा लेते हैं फ्रेंड।
और फ्रेंड ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जिसके पास इंडक्शन बोर्ड में इस तरह का प्रॉब्लम आया है या किसी के घर में इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो इजीली इसको रिपेयर कर पाएंगे। और कोई शॉप वाले रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, गाँव देहात में होते हैं जो कि जिनको कि इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उन लोगों तक को इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो इजीली इंडक्शन बोर्ड को रिपेयर कर पाएँ और इजीली इसको सीख पाएँ। और ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है फ्रेंड, सिंपल सा मैं जो वीडियो में दिखा रहा हूँ सिर्फ इतना ही करना है और चेक करना है। मल्टीमीटर आपको चलाना आना चाहिए, इससे रिलेटेड आप वीडियो देख के मल्टीमीटर चलाना सीख लीजिए, तब जो मैं बताऊँगा वो इजीली आप चेक कर पाएंगे और अपना मल्टीमीटर यूज कर पाएंगे। मल्टीमीटर मैं डायोड मोड में चेक करता हूँ जो भी है। डायोड क्या होता है, डायोड एक छोटा सा डायोड होता है, डायोड सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी डायोड लगी हुई है, छोटा छोटा डायोड जो ब्लैक कलर का है, फ्यूज के बगल में ही है, वो सारे डायोड है जो ब्लैक कलर की है। अब चलिए मैं यहाँ पे फ्रेंड आईसी लगा लिया हूँ और इस आईसी को लगाने के बाद चेक करेंगे हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फ्रेंड डायोड के बारे में आप वीडियो देख लीजिएगा, डायोड आपको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, डायोड 4007 नंबर लिख के सर्च कीजिएगा तो पता चल जाएगा डायोड क्या है। उसको आप एक परचेज करके आप मल्टीमीटर चेक करना सीखिए, RGBT परचेज कीजिए, चेक करना सीखिए, तो आपको इजीली आप सीख पाएंगे। ऐसे तो आप मैं बताऊंगा और आप आपका दिमाग से आर पार जाएगा तो वो नहीं होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये पंखा के लिए यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ जिसके कारण से यहाँ पे इंडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है या पंखा नहीं चले, तो इस ट्रांजिस्टर को भी चेंज करना होगा। ये ट्रांजिस्टर को भी मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये जो छोटा सा ट्रांजिस्टर 8050 है, ये पंखे को ऑन ऑफ करवाता टाइमली टाइम जब आपका हीट होता है। तो चलिए मैं इसको चेक करते हैं, सेम उसी तरीके से चेक करना है डायोड मोड में और बीच वाली पॉइंट में और साइड वाली पॉइंट में। देखिए फ्रेंड एक तरफ जीरो बता रहा है, एक तरफ सही बता रहा है, और आपस में मैच करके चेक करना है, कोई भी पिन में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, 400-500 के आसपास वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे एक फ्यूज लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस है, एक कलर आप देख लीजिए, मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करूँगा। एक कलर का रेजिस्टेंस है, एक कलर का रेजिस्टेंस आप मार्केट से ले लेंगे, जो वैल्यू है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, या आप एक ओम ले लेंगे तो भी चलेगा, एक ओम और जो 0.5 वाट का रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लेंगे वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा कटा हुआ जिसके कारण से हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन नहीं हो पा रहा है। ये रेजिस्टेंस और एक जो ट्रांजिस्टर है 8050 नंबर का, वो आपको ट्रांजिस्टर मिल जाएगा मार्केट में, तो ये दो चीज़ इसमें लगाना है। तो चलिए दो चीज़ को लगा लेते हैं। और फ्रेंड ये दोनों चीज़ लगाने के बाद भी आपका इंडक्शन बोर्ड ऑन नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, आगे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिसको वीडियो पसंद आया कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है और सॉल्व हो जाता है तो वीडियो में एक कमेंट ज़रूर लिखें कि मेरा जो इस तरह का प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, थैंक यू। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं ताकि मैं आगे इस तरह का वीडियो को और भी बना के ला पाऊँ आपके लिए, आपके हेल्प हो सके प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो चलिए आप 8050 ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ और इसको लगाते हैं, आपका इंडक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आने वाले दिनों में इस बोर्ड से रिलेटेड मैं और भी जानकारी आपको दूंगा। तो फिलहाल ये सिंपल सा जानकारी है, सिंपल सा जानकारी आप समझ लीजिए, यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आता है और इसके अंदर कोई भी चीज़ का यहाँ पर फंक्शन नहीं है। ये जो 8050 ट्रांजिस्टर जो है फैन को ऑपरेट करता है, बार बार मैं बता रहा हूँ, एक फ़ैन को ऑपरेट करता है। अगर ये शॉर्ट रहेगा तो आपका फ़ैन ऑपरेट नहीं होगा, पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा, या इंडक्शन चालू नहीं होगा, या एक प्रॉब्लम और होता है जो कि आगे वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप रियलिटी देख के समझिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। फिर उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से बना हुआ है, जिस बहुत लोगों ने देखा होगा इंडक्शन का रिपेयर का वीडियो, और जो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख सकते हैं और देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में पूरा कंप्लीट है और कुछ कुछ चीज़ इस वीडियो में नहीं है, वो आप देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इंडक्शन को चालू करने का कोशिश करते हैं और हमारा ये चालू हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड ये इंडक्शन हमारा अभी चालू हो गया है, लेकिन हमारा फैन का
क्लिप जो है नहीं लगा हुआ, इसीलिए इंडक्शन चालू हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड इंडक्शन तो हमारा ये बोर्ड चालू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे फैन, देखिए हम इसको लगाते हैं फैन का, अभी यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, सारा चीज़ मैंने यहाँ पे पैकिंग करते हैं और लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई थी। हमने भी सोचा कि फैन प्रॉब्लम हमारा ठीक हो गया और यहाँ पे मैंने पैकिंग करने लगा, पूरा पैकिंग करने के बाद हमारे पास प्रॉब्लम आई कि मैंने तो सही तरीके से बना लिया फिर भी हमारा पावर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकता है, तो प्रॉब्लम क्या है आगे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं फ्रेंड, तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए फ्रेंड। और ये लगा लेते हैं, आप भी इजीली लगा लीजिएगा, और इंडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, हाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी के लिए, तो उन चीज़ों का वीडियो भी मैं बनाऊँगा किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम का वीडियो हमारे चैनल पे बने हुए आप ज़रूर जाके देखें। अब फ्रेंड मैंने पूरे लगा दिया, अब इंडक्शन हमारा ये चालू ही नहीं हो रहा है फ्रेंड, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो बनाया ठीक से, प्रॉब्लम भी मैंने ठीक किया, लेकिन इंडक्शन चालू नहीं हो रहा है, क्यों? एक रीज़न है फ्रेंड, यहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियो मैंने एक पहले ही बना चुका हूँ, अभी देखिए इंडक्शन ऑन हो रहा है, जैसे ही फैन का क्लिप मैं लगाऊँगा आपका इंडक्शन ऑफ हो जाएगा, देखिए हमारा इंडक्शन ऑफ हो गया, फैन थोड़ा सा घुमा, लग रहा है कि फैन हमारा ठीक है घूमेगा, लेकिन फैन नहीं घूमेगा और आपका पावर भी ऑन नहीं होगा इंडक्शन का। तो यहाँ फ्रेंड प्रॉब्लम मेन है ये पंखा भी हमारा जो फ्रेंड ख़राब हो चुका है, तो इस पंखा को चलिए मैं यहाँ पर चेंज करेंगे, तो एक ये प्रॉब्लम में भी आप फंस सकते हैं, सब चीज़ रिपेयर करने के बाद लगता है कॉमन सा प्रॉब्लम है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम आपको बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकता है, तो इस प्रॉब्लम को कॉमन ना समझें, और इस तरह का प्रॉब्लम से भी आप जब भी इंडक्शन बोर्ड या रिपेयर करना है पंखा को ओपन कर दें, 80-85 ट्रांजिस्टर जो लगी हुई उसको ओपन कर दें, उसके बाद देखें कि इंडक्शन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी फ्रेंड प्रॉब्लम ये होता है कि एक और है ट्रांजिस्टर, उससे रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगा, वो है 7800L ट्रांजिस्टर लगी होगी, वो भी आप देख लीजिएगा जो मेन नंबर बता रहा हूँ, वो शॉर्ट होने के बाद भी पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा, और 80-85 ट्रांजिस्टर की वजह से पंखा की वजह से आपका पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा। इससे रिलेटेड वीडियो मैं एक बना दूंगा, फिलहाल मैं जो बताने का था मैं बता दिया आपको, और सर्किट डायग्राम के थ्रू मैं एक बार आपको बताने का कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस जगह में क्या प्रॉब्लम आ सकती है पावर सप्लाई से रिलेटेड। फिलहाल मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर डायग्राम समझाऊंगा, डायग्राम में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तो ये वीडियो आपका प्रैक्टिकल था। तो चलिए हमारा यहाँ इंडक्शन चालू हो गया है, और मैं यहाँ पे बर्तन रख के और आपको चला के दिखाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे छोटा सा मेरा बर्तन है और इसको रखते हैं, पानी डालते हैं और चालू करते हैं। फ्रेंड हमारा इंडक्शन चालू हो गया है, तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिसका इंडक्शन में इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिला है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।